हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बिमल सर जी यूट्यूब चैनल। अगर आपके चैनल पे या किसी वीडियो पे कॉपी स्ट्राइक आ गया तो क्या क्या करना है और किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है, जानने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। सबसे पहले तो आपको उस वीडियो को डिलीट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्टिव कॉपीराइट स्ट्राइक, यहाँ लिखा है 1 of 3, यानी कि 3 स्ट्राइक में से 1 स्ट्राइक मिल गया है। और यहाँ पे सारा का सारा चीज़ लिखा है कि 3 स्ट्राइक मिलने पे आपका जो अकाउंट है वो डिलीट हो सकता है। और कॉपी स्ट्राइक मिलने के बाद में क्या क्या करना है, यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट तो आप डू नथिंग, कुछ मत कीजिए, बस 90 दिन का वेट कीजिए एक्सपायर होने के लिए। और कंप्लीट कॉपी राइट स्कूल जो है इसमें ऑप्शन दिया रहता है तो कीजिएगा, वो रहता है ऑप्शन, मेरे में गायब हो गया है। लेकिन आपको बताऊँगा कि कैसे कम्प्लीट करना है कॉपी राइट स्कूल, उसका क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढना है, कैसे रिप्लाई करना है। 4 क्वेश्चन आपको पूछेगा, उन 4 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन को ठीक जवाब देना है। अगर नहीं हुआ तो फिर से आपको दूसरा सवाल पूछेगा। तो आप लोग बहुत आसान से कर सकते हैं, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढना है। तो और दूसरा है रिक्वेस्ट रिट्रैक्शन। आप लोग जो कॉपीराइट ऑनर है, जिन्होंने क्लेम किए हैं आपके चैनल पे, जिसने स्ट्राइक डाले हैं, उनको मेल करना है, मैसेज करना है, मेल करना है। उनके जीमेल आईडी दिया रहता है कि सर गलती हो गया, आप अपना स्ट्राइक जो है सो हटा दीजिए करके रिक्वेस्ट करना है। और तीसरा है सबमिट काउंटर नोटिफिकेशन। ये आपको तब करना है जब आपको कंफर्म हो कि आपने किसी का कंटेंट यूज नहीं किया है, आपका जो भी वीडियो है आपका रियल कंटेंट है, और किसी ने आप पे फेक स्ट्राइक डाला है, तभी आप ये थर्ड ऑप्शन सबमिट काउंटर नोटिफिकेशंस कर सकते हैं। और डिलीटिंग द वीडियो विल नॉट रिमूव द स्ट्राइक। और भूल करके भी आप लोग ये डिलीट मत कीजिएगा, क्योंकि डिलीट करने का मतलब ये नहीं कि स्ट्राइक हट जाएगा, ठीक है। बल्कि आपको जो ये ऑप्शन दे रहा है रिक्वेस्ट रिट्रैक्शन सबमिट काउंटर ये नहीं मिलेगा आपको, इसलिए कभी भी वो मत कीजिएगा, डिलीट मत कीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको फर्स्ट स्टेप बताऊंगा कि कंप्लीट कॉपीराइट स्कूल कैसे करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, फिर भी मैं आपको सवाल का जवाब कैसे देना है मैं आपको बता रहा हूँ। एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, जो कि मेरा ब्लॉग का है। उस ब्लॉग में आप लोग ऊपर में सर्च कीजिएगा www.bimalsarji.blogspot.com, ये मेरा ब्लॉग है। उस ब्लॉग में आपको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, जैसे पूछते हैं, जैसे ऑप्शन रहता है उसी तरह का यहाँ पे लिखा होगा। मानिए कि आप जब आप वीडियो देख रहे हैं, ये इसमें भी तो नया नया पोस्ट है तो ऊपर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दिया तो आप लोग सर्च में टाइप कीजिएगा कॉपीराइट स्कूल। उसके बाद में आपको ये सर्च बॉक्स में ऊपर दिखाई देगा ये पोस्ट, तो आपको कोई भी पोस्ट में आपको क्लिक करना है जिसमें लिखा हो कि कॉपीराइट स्कूल क्वेश्चन आंसर 2024। तो यहाँ पे सारा का सारा क्वेश्चन उसमें जैसा पूछा रहा था उसी तरह का इसमें दिया है। आंसर जानने के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट वाला रॉन्ग आंसर है, सेकेंड वाला ट्रू है। इसमें फर्स्ट रॉन्ग हाँ कौन सा ट्रू है, यहाँ पर सब का सब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ऐसे क्लिक करके कौन सा सही है, ठीक है। तो ये आसान तरीका है, और आपको ये क्वेश्चन इतने सारा में से नहीं मिलेगा। तो इसका प्रोसेस क्या है कि आप लोग कॉपी कीजिएगा, कोई भी वो 3-4 वर्ड कॉपी कीजिएगा, हाँ। और कॉपी करने के बाद में आप लोग यहाँ सर्च करेंगे सर्च बॉक्स में, तो वो पोस्ट आपको ऊपर दिखाई दे देगा, ठीक है। तो तब तक आप लोग वीडियो में मिल रहा है तो मिल रहा है, नहीं तो मैं आपका ये प्रोसेस भी मैं आपको ये बना दूंगा, ठीक है। आप लोग ये आसानी से क्वेश्चन को ऐसे टॉप लिस्ट में देख सकते हैं। तो ये हो गया कॉपीराइट स्कूल का क्वेश्चन को आंसर दे करके वो प्रोसेस को कंप्लीट करना। ये कॉपीराइट स्कूल जो प्रोसेस है ना, ये क्या होता है कि आपको ये जानकारी देते हैं कि आप लोगों को कॉपी स्ट्राइक के बारे में कुछ नॉलेज है कि नहीं है, तो इसीलिए आपको वो वैसा ऐसा सवाल पूछते हैं। और जैसा 3-4 सवाल पूछेगा तो आप लोग 3-4 सवाल नहीं, आप लोग कितने सवाल आप लोग ढूंढ के सीख लेंगे। तो ये चीज़ भी अच्छे पॉइंट है कि
कि हम लोगों को YouTube में जब है तो हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि वीडियो कैसे डालना है, कौन सी वीडियो डालने से YouTube का जो पॉलिसी है वो रहेगा, क्योंकि उसका कानून है YouTube के कानून में उनके दायरे में रह के ही हम लोग YouTube का वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता है। अब हमें सेकेंड ऑप्शन क्या करना है कि सेकेंड ऑप्शन इसमें दिया था कि हम लोग रिक्वेस्ट डिटेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ना, फर्स्ट स्टेप डू नथिंग, मतलब वेट करना है ये कॉपीराइट डिसेबल करके। सेकेंड में है रिक्वेस्ट डिटेक्शन, इसके ऑप्शन में भी लिखा है कि यू कैन कॉन्टैक्ट द क्लाइमेंट डायरेक्टली एंड आस्क देम टू विथड्रॉ देयर कंप्लेंट। हाँ, हम लोग डायरेक्टली तो मिल नहीं सकते, तो यूट्यूब ने एक फीचर्स दिया है जिसमें जहाँ पे आपको स्ट्राइक दिया है ना, वहाँ पे उसका जीमेल आईडी दिया रहता है, कोई ईमेल आईडी या जीमेल आईडी दिया रहता है, उस जीमेल आईडी में आपको मेल भेजना है। तो आपको ये मेल कैसे भेजना है, इसमें से आप क्या कीजिए, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर नीचे में दिखा है, यहाँ पर लिखा है सेलेक्ट एक्शन। तो सेलेक्ट एक्शन में यहाँ पर दो ऑप्शन दिया है, यहाँ पर हो सकता है आपका थर्ड ऑप्शन भी इसमें कंप्लीट कॉपीराइट स्कूल दिया हो, मेरे में दिया था लेकिन वो गायब हो गया, मैंने उसको प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा। तो आपको प्रोसेस तो मैंने बता दिया है, इसमें लिखा है अब कॉन्टैक्ट क्लेमेंट, जिसने क्लेम की है तो उसको आप लोग मेल भेज सकते हैं, तो इसके यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कॉपी यहाँ से कॉपी कीजिए, यहाँ पे कॉपी एड्रेस करके यहाँ पे भी लिखा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ईमेल कॉपीड, ठीक है। और ये जो सबमिट काउंटर नोटिफिकेशन से, ये आप लोग तभी कीजिएगा जब आपको पता हो कि आपका कोई गलती नहीं है, आपका जो वीडियो डाला है वो आपका अपना ही है, किसी का कॉपी नहीं किए है, आपका जिन्हें आपका रियल वीडियो है, तो उस वक्त आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर किसी ने आपको वही फेक कॉपी स्टॉक डाला है, तो आप लोग ये थर्ड ऑप्शन चूज़ कीजिएगा, ठीक है। तो इसको भी अगर आपको नॉलेज चाहिए तो मेरे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, उसका डिटेल में या कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। तो अभी मैंने ये कॉपी एड्रेस कर लिया, मैंने कॉपी एड्रेस करने के बाद में मैं यहाँ पे जीमेल में जाऊँगा, जीमेल, तो मैंने अभी भेजा था उनको, भेजा था, मैं फिर से यहाँ पर कंपोज में डाल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं जो कॉपी किया था वो जीमेल आईडी यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और उसके बाद में कंपोज ईमेल में आपको जो मैंने मेल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना के रखा हूँ, आपको ऐसा इसमें बहुत लंबा चौड़ा लिखा हूँ मैंने, आपको कैसा कैसा कितना कितना चाहिए वो सारा का सारा मेरे ब्लॉग में मिल जाएगा। ब्लॉग में विजिट करते रहिएगा और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, उसमें इसी तरह का बहुत सारा मेल है, जो शॉर्ट छोटा भी हो और अच्छा भी हो, मैं सारा का सारा आपको कस्टमाइज़ करने लायक का मैं बना के उसमें डाल दूँगा, ठीक है। सिर्फ आप कॉपी करके थोड़ा थोड़ा सा इसमें चेंजेस करना है, वो चेंजेस कैसे करना है, जैसे कि मैं ये इसको कॉपी कर रहा हूँ, पहले कॉपी करके मैं इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पे कंपोज वाला में जो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, कंपोज ईमेल, इसमें क्लिक करके इसे पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद में यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट वाला यहाँ से लेके यहाँ तक आप क्या कीजिए, कट कर दीजिए और सब्जेक्ट में यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, और ये इधर का जो सब्जेक्ट है यहाँ से डिलीट कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। और ऊपर में यहाँ पे लिखा है डियर, जो आपको स्ट्राइक जिन्होंने दिए हैं उनका नाम लिख दीजिए अगर पता है तो, नहीं तो मैंने तो यहाँ जीमेल आईडी का जो फर्स्ट नेम है उसी का नाम मैंने लिख दिया वहीं से, ठीक है। तो यहाँ पे डियर सर, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट यू टू विथड्रॉ द कॉपीराइट स्ट्राइक यू रिसेंटली प्लेस्ड ऑन माई यूट्यूब वीडियो। आई अंडरस्टैंड दैट माई वीडियो मे हैव कंटेंट दैट इन्फ्रिंज अपॉन योर कॉपीराइट। आई अनइंटेंशनली यूज द रिमिक्सिंग फीचर्स प्रोवाइडेड बाई यूट्यूब टू क्रिएट अ शॉर्ट वीडियो विथ अ ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट। मैंने क्या किया था कि जो यूट्यूब का जो शॉर्ट वीडियो रहता है ना, वहाँ पे तो शेयर के नीचे एक ऑप्शन रहता है ना, जो कि हम लोग रिमिक्स कर सकते हैं, ग्रीन स्क्रीन डाल सकते हैं, तो मैंने वही बस किया था, मैंने वहीं से मैंने ग्रीन स्क्रीन में अपना फेस को मैंने हाइड कर दिया था, और वैसे ही सिंपली उसको मैंने वहीं से रिमिक्स करके मैंने पोस्ट कर दिया था। अगर एक्सटर्नल किया रहता तो डर भी रहता, तो मुझे लग नहीं रहा था कि स्ट्राइक आएगा, लेकिन वैसे में भी स्ट्राइक आ सकता है, तो ये एक सीख है। यूट्यूब से हम लोग यही गलतियां सीखते हैं कि आखिर जैसे भी हो
किसी का कंटेंट यूज करना तो कॉपीराइट का खिलाफ है ना, तो यही हम लोगों को नहीं करना है, ठीक है। तो कर दिए तो आप लोगों को ये अपोलो गाइज हैं, आप लोगों को माफ़ी वाला ऐसा लेटर लिखना है कि सर गलती हो गया, आपके बाद ऐसा नहीं होगा। हाँ, आई स्पेसिफिकली डिड नॉट अल्टर द ओरिजिनल म्यूजिक इन एनी वे, इट वॉज नॉट माई इंटेंशन टू वायलेट योर कॉपीराइट एंड आई अपोलोगाइज फॉर एनी इनकन्फिडेंस दिस मे हैव कॉज्ड, आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट योर राइट्स एज अ कॉपीराइट होल्डर, ठीक है। यानी इसमें थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा लिख दिया हूँ। आई अपलोड क्लास 9 and 10 मैथ सोल्यूशंस एंड समटाइम्स रिमिक्स शॉर्ट वीडियो फीचर्स प्रोवाइडेड बाई यूट्यूब विच आई लाइक मोस्ट, योर शॉर्ट वीडियो वॉज टू गुड एंड यू लुक सो ब्यूटीफुल एज राधा रानी है। उनमें राधा रानी के जैसे वो वीडियो में अच्छा लग रहा था, और कृष्णा जी का तो ठीक है ना, उसका म्यूजिक इतना अच्छा लगता है, तो मुझे वीडियो अच्छा लगा तो मैंने उसमें पोस्ट कर दिया मैंने। तो ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। हेयर इज वीडियो डिटेल्स, ठीक है। वीडियो टाइटल यहाँ पे मैंने लिख के, ये जो है ना यहाँ पे आप इसका वीडियो का टाइटल खोज कहाँ से लाना है और वीडियो का यूआरएल कहाँ से लाना है, इसके लिए आपको क्या करना है, वापस आप लोग ब्राउज़र में जाइए। ब्राउज़र में जाने के बाद में इसे मैं पहले यहाँ से हटा देता हूँ। ये जो डैशबोर्ड है ना नीचे, अभी जो मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड के नीचे यहाँ पे देख रहे हैं कंटेंट का, ये है कंटेंट, ठीक है कंटेंट। तो आपको कौन सी वीडियो में स्ट्राइक आया, जैसे फिल्टर कर रहा हूँ, फिल्टर में मैं कॉपीराइट दे रहा हूँ, कॉपीराइट मेरा लॉन्ग वीडियोज़ में नहीं, शॉर्ट वीडियोज़ में है, तो इसमें नहीं दिखाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको शॉर्ट वीडियो में आया तो शॉर्ट वीडियो में क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद में इसका फिल्टर यूज करना है आपको, फिल्टर में कॉपीराइट लीजिए, ठीक है। अब जिसमें कॉपीराइट है वो सारा का सारा लिस्ट इसमें आ जाएगा। ये जो है ना यहाँ पे, ये जो है ना, ये भी कॉपीराइट है, लेकिन ये उतना डेंजरस नहीं है जितना कि ये वाला फोर्थ वाला जो है ना, ये रिमूव्ड, ये वाला बहुत डेंजरस कॉपीराइट स्ट्राइक है। ऐसा ऐसा तीन आ जाएगा तो आपका अकाउंट डिलीट हो सकता है। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला जो है, इसे मैं जिसमें आपका स्ट्राइक आया है वो वीडियो का आप खोजिएगा, यही टाइटल है। तो पूरा देखने के लिए इसे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देख रहे हैं आपका, ये जो है यहाँ पे वीडियो का डिटेल्स वाला में, ये टाइटल है और यहाँ पे लिंक है। तो सबसे पहले मैं ये टाइटल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं कॉपी कर लिया टाइटल को। टाइटल को कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे टाइटल, वीडियो टाइटल ये है, और उसके बाद में वीडियो का लिंक आपको इस साइड में दिया, यहाँ पे ये है ना वीडियो लिंक, यहाँ पे कॉपी का वो कॉपी वीडियो लिंक करके यहाँ पे दिया है, लिंक कॉपी हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे आके पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, वीडियो लिंक पेस्ट हो गया। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग सिंसियरली, अपना नाम लिख दीजिए, हाँ यूट्यूब चैनल का नेम लिख दीजिए, और चैनल का लिंक तो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने अपना चैनल का लिंक। ठीक है, इतना सारा करने के बाद में आपको सेंड कर देना है, तो मैंने ऑलरेडी ये सेंड कर चुका हूँ, डबल सेंड नहीं करूँगा। ठीक है, इतना सारा प्रोसेस आपको करना है। तो ये हुआ आपका कि सेकेंड ऑप्शन है, जो कि आप लोग ट्राई कर सकते हैं, उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप अगर आपने गलती किए हैं, आप स्वीकारते हैं, तो उनको थोड़ा सा मेल भेज दीजिए, क्या पता जल्द से वो आपको स्ट्राइक हटा दे, नहीं तो 90 डेज लगेगा स्ट्राइक हटने में। तो ये सारा बहुत अच्छे चीज़ है, क्योंकि हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है यूट्यूब में। तो मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा, यूट्यूब चैनल में बने रहिएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, बहुत सारा ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। साथ में मेरे यूट्यूब चैनल में क्लास 9 और 10 का मैथ्स, ऑप्शनल मैथ्स, कंपलसरी मैथ्स और साइंस का सॉल्यूशंस भी रहता है, रीजनिंग वाला पार्ट्स, और क्विज भी आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग क्विज खेल सकते हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस जो नेपाल में आपको लेना है, लिखित परीक्षा आपको कैसे पास करना है, रिटर्न टेस्ट, उसके लिए भी सारा बहुत सारा क्वेश्चन उसमें दिया है, आप लोग उसमें ट्राई करके खेल सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारा है, जोक्स शायरी भी है,
और साथ में जो SC में जो पूछते हैं कंडोलेंस लेटर्स एप्लीकेशन, और जो विदेश में रहते हैं और नेपाल में या कहीं भी आप लोग छुट्टी में आए हैं और आपको छुट्टी एक्सटेंड करना है, कुछ ज़रूरी काम आ जाए, तो उसके लिए एप्लीकेशन कैसे लिखना है वो भी मेरे ब्लॉग में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग ब्लॉग में जाके वो सारा का सारा यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, एप्लीकेशन APPL एप्लीकेशन, ठीक है, ऊपर में ही आ जाएगा आपको ये एप्लीकेशन अगर है तो। एप्लीकेशन फॉर टीचिंग जॉब्स, हाँ टीचिंग जॉब के लिए एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट रिक्वेस्ट फॉर लीव एक्सटेंशन, ठीक है, विदेश में रहते हैं तो यहाँ पे लिखा है ना, एप्लीकेशन फॉर अर्जेंट रिक्वेस्ट फॉर लीव एक्सटेंशन बाय नेपाली सिटीजन वर्किंग इन कतार सऊदी दुबई। तो ये सारा चीज़ आप लोग सर्च बॉक्स के सहायता से सर्च कर सकते हैं। साथ में अगर आपको क्लास 9-10 का सोल्यूशन चाहिए तो यहाँ पर क्लास 9-10 के मैथ में आ जाइए। यहाँ पे जैसे कि YouTube वाला मैं डाला हूँ, यहाँ पे जितना भी पोस्ट है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इससे रिलेटेड। और कोई क्वेश्चन, जैसे कि इसमें कोई क्वेश्चन दिया है, जैसे कि एक क्वेश्चन का मैंने पोस्ट में डाला हूँ, ठीक है, मानिए कि ये क्वेश्चन है असिलिंड्रिकल जार वाला, और ये क्वेश्चन मुझे YouTube में नहीं मिल रहा है, तो इस ब्लॉग का फ़ायदा ये है कि आप इस क्वेश्चन का कोई भी कहीं से भी वर्ड 3-4 वर्ड बीच में से यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ठीक है, ऐसे कॉपी कर लीजिए सोली रिस्फेयर करके 2-3-4-5 वर्ड, और सर्च बॉक्स में आप लोग सर्च कीजिए, कहीं से भी कर सकते हैं, होम पेज से कहीं से भी कर सकते हैं। मैं जैसे कि मैं होम पेज से सर्च करता हूँ, देखिए ये पोस्ट आ जाएगा ऊपर, सर्च किया मैं यहाँ पे सोली रिस्फेयर करके, सर्च करते ही वो जो पोस्ट था वो ऊपर आ जाएगा, देख रहे ना, सोरी डी ये वाला क्वेश्चन है, अंदर जाके आप लोग क्लिक कीजिए और अंदर से जाके आप लोग को इसका लिंक भी दिया होगा नीचे, सी सॉल्यूशंस क्लिक हेयर, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन आपको देखना है असिलिंड्रिकल जार ऑफ रेडियस 6 cm कंटेंट्स वाटर, ये मैथमेटिकल क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 7.2 यूनिट 7 सी मैथ, कंपलसरी मैथ्स का है, चैप्टर 3rd चैप्टर मेंसुरेशन सिलेंडर एंड स्फीयर का है, और एक्सपेरिमेंटल भी यहाँ पे किया हूँ, ये वीडियो देखने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो ये सारा का सारा मेरे YouTube चैनल में और ब्लॉग में बहुत सारा चीज़ मिल रहता है। तो ठीक है, तो आपको कौन कौन सी चीज़ के लिए वीडियो चाहिए आप लोग हमारे इस ब्लॉग में भी कमेंट कर सकते हैं, मैसेज पठा सकते हैं, और साथ में ये YouTube का भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो सोल्यूशन आपको चाहिए मैं टाइम निकाल के आप लोगों का सोल्यूशन देने का कोशिश करूँगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज़। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बम बम भोले, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।